अमरूद और उसके पत्तों के मुतालिक माहरीन हर रोज अपनी तहकीक से नई नई मालूमात हासिल कर रहे हैं। खास तौर पर अमरूद के पत्तों पर की जाने वाली बेशुमार तहकीकात से पता चलता है कि ये आम पत्ते नहीं है बल्कि एक अक्सीर का दर्जा रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम अमरूद और उसके पत्तों के मेडिकल साइंस के तहकीक शुदा 8 ऐसे फवायद बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप अमरूद को अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा जरूर बनाएंगे। अमरूद के पत्तों के ये हैरान कुन फवायद क्या है, इससे कहीं ज्यादा फवायद इसके पत्तों में मौजूद होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अमरूद और उसके पत्तों के 8 हैरान कुन फवायद कौन कौन से हैं जो माहिरीन ने तहकीकात के बाद बतलाए हैं। नंबर 1, अमरूद और उसके पत्ते खून से शुगर कम करते हैं। नाज़रीन, अमरूद के जहां और बेशुमार फायदे हैं वहां ये खून में बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने की खूबी भी रखता है और बहुत सी मेडिकल साइंस की तहकीकात के बाद माहिरीन का कहना है कि अमरूद के पत्ते भी शुगर को खून में बढ़ने नहीं देते क्योंकि अमरूद के पत्ते इंसुलिन रेजिस्टेंस खूबियों के हामिल हैं और ये बात डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। माहिरीन की एक रिसर्च के मुताबिक खाने के बाद अमरूद के पत्तों का कहवा पीने से 2 घंटे तक खून में बढ़ने वाली शुगर को काबू में रखा जा सकता है और तहकीक के मुताबिक खाने के बाद फौरन अमरूद के पत्तों का कहवा खून में 10% तक शुगर लेवल कम करता है। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अमरूद के पत्ते इंसुलिन का मुतबादिल हैं। अब वो लोग जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं खुद ही सोच लीजिए कि अमरूद के पत्तों का कहवा पीना आसान है या फिर इंजेक्शन लगवाना। अगर आप बाकायदगी से इस कहवे का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उम्मीद है कि आपको कुछ अरसे बाद इंजेक्शन से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 2, अमरूद और उसके पत्ते दिल को ताकतवर करते हैं। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अमरूद दिल के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद गिज़ा है क्योंकि इसके अंदर मौजूद बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट खूबियां और अमरूद के पत्तों में मौजूद विटामिन्स दिल के लिए किसी अक्सीर से कम नहीं है। माहिरीन का कहना है कि अमरूद में शामिल पोटेशियम और फौरन हल पजीर फाइबर इंसानी दिल के लिए इंतहाई मुफीद है और खास तौर पर अमरूद के पत्तों का माहासिल ब्लड प्रेशर को काबू में करते हैं जो दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है और पत्तों के ये माहासिल खून में शामिल बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल पैदा करते हैं। और याद रहे कि बुरे कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती भी दिल की बीमारियों की माँ है। नाज़रीन, आपको यहाँ माहिरीन की एक रिसर्च के बारे में बताते हैं जो उन्होंने 120 लोगों को 12 हफ्ते हर खाने से पहले पका अमरूद खिलाकर की। उसके नतीजे के मुताबिक उन 120 लोगों में ब्लड प्रेशर 8 से 10 पॉइंट्स कम हुआ, बुरा कोलेस्ट्रॉल 9.9% कम हुआ और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में 8 से 9% इजाफा हुआ। जहां तक बात है अमरूद के पत्तों का माहासिल यानी एक्सट्रैक्ट कैसे हासिल किया जाए तो इसका तरीका यह है कि अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह धोकर जूसर में डालकर इसमें उबला हुआ पानी डालकर अच्छी तरह शेक कर लें और बाद में किसी मलमल के कपड़े से छान लें और इस्तेमाल करें। नंबर 4, अमरूद निजाम को दुरुस्त कर देता है। माहिरीन के मुताबिक अमरूद डाइट्री फाइबर का खजाना है, इसे खाने से पेट आसानी के साथ साफ हो जाता है और ये कब्ज जैसी बीमारी को पैदा नहीं होने देता। कहते हैं कि सिर्फ एक अमरूद खाने से हमें जिस्म की रोजाना जरूरत की 12% फाइबर हासिल होती है और अमरूद के पत्तों का महासिल पेट की अकड़न और दर्द और डायरिया में भी इंतहाई मुफीद चीज है। नाज़रीन, साइंस के मुताबिक अमरूद में एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं जो आंतों में से नुकसानदेह माइक्रोबस का खात्मा करके हमें डायरिया से बचाते हैं। नंबर 5, अमरूद मोटापे को खत्म करता है। याद रहे कि मोटापा जिस्म में दायमी बीमारियों की माँ है और अमरूद में मौजूद सिर्फ 37 कैलोरीज और फाइबर जहाँ हमारे मेदे को भरा रखती हैं और भूख मिटाती हैं वहीं ये चर्बी को पैदा नहीं होने देता। नंबर 6, अमरूद एंटी कैंसर है। माहिरीन का कहना है कि अमरूद के पत्तों का महासिल जिस्म में कैंसर के सेल्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है और इसकी एक वजह इन पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं जो जिस्म के आजा को फ्री रेडिकल से मुतासिर नहीं होने देती। नंबर 7, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। याद रहे कि हमारे जिस्म में वाइटामिन सी की कमी हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत में कमी की बड़ी वजह है और वाइटामिन सी की कमी हमें बहुत सी इन्फेक्शन की सूरत में बीमार कर देती है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ एक अमरूद हमें रोजाना की जरूरत से कहीं बढ़कर विटामिन सी मुहैया करता है और अगर अमरूद का मवाजना कीनू या माल्टे से किया जाए तो ये कीनू और माल्टे से दोगुनी विटामिन सी मुहैया करता है और विटामिन सी हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को तंदुरुस्त तवाना रखती है।
کہتے ہیں کہ سردیوں میں عام طور پر انسان کا نظام مدافعت کمزور ہوتا ہے، لہذا سردیوں میں عام نزلہ، زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے امرود کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، امرود ہمارے جلد کے لیے مفید ہے۔ امرود میں شامل وائٹامنز اور منرلز ہمارے جلد کے لیے انتہائی مفید ہیں، اور اس کی اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں جلد کی حفاظت کرتی ہیں اور زخموں کو جلد بھر دیتی ہیں اور جلد کو عمر بڑھنے کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں، جلد کو توانا کر کے ان کو جھریاں پڑنے سے بچاتی ہیں۔